आ रही है जम्मू कश्मीर में एलओसी से। एलओसी पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की काराना हरकतों का कड़ा जवाब दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने बुधवार रात पाकिस्तानी सेना के समर्थन से चल रहे आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की। पुंछ, मेंढर, नौशेरा और सुंदरबनी के उस पार की गई इस कार्रवाई में पाकिस्तानी फौज और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। नौशेरा के कलाल सेक्टर में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी फौज की दो फॉरवर्ड पोस्ट को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई में 8 आतंकी मारे गए हैं, जबकि 2 लॉन्चिंग पैड भी तबाह हुए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई आतंकियों पर। पवन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, कितना नुकसान पहुंचा उस पार? देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का वायलेशन था और नौशेरा सेक्टर, सुंदरबनी सेक्टर और पुंछ सेक्टर में लगातार फायरिंग जारी थी, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ का बड़ा प्रयास जो था वो नौशेरा सेक्टर के जो उस पार का इलाका है, समानी और डूंगी, वहां पर जो लॉन्चिंग पैड थे वहां से लॉन्च किया गया था, और उसके जितने भी टेररिस्ट सीमा के आसपास वहां पर पहुंचे थे उनको भारतीय सेना ने मार गिराया है। माना जा रहा है कि 8 आतंकी मारे गए हैं, 2 से 3 आतंकी जो है वापस भागने पर मजबूर हुए हैं, वो भी घायल अवस्था में, और पाकिस्तान के 2 लॉन्चिंग पैड भी तबाह हुए हैं। साथ में जो कस्बा और किरनी सेक्टर है उस पर पाकिस्तान की 2 फॉरवर्ड पोस्टों को भी तबाह किया गया है। लगातार इसी इलाके से पाकिस्तानी सेना जो है वो सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रही थी और घुसपैठ के प्रयास भी कर रही थी। जी, तो एलओसी पर पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान, 2 चौकियां तबाह की, आतंकियों के 2 लॉन्च पैड भी तबाह कर दिए गए, और बताया जा रहा है कि 8 आतंकी इस बीच मारे गए हैं। और आइए बढ़ते आगे। विकास दुबे के साथी और कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल बदमाश प्रेम शंकर पांडे की पत्नी और बहू का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मौत से पहले शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने जान बचाने की गुहार लगाई थी। वीडियो में प्रेम शंकर पांडे की पत्नी और बहू